कोरोना का कहर थमने की जगह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में देश इससे निपटने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पा रही। अभी तक दुनिया भर में कुल 10,15,403 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं कोरोना की चपेट में आने से मौत का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका, स्पेन कोरोना के केंद्र बन चुके हैं। यूरोपीय देश स्पेन को कोरोना वायरस तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले 24 घंटे में स्पेन में कोरोना के 7,947 नए केस सामने आए हैं। वहीं 961 लोगों की जान गई है। अब तक कुल 1,12,065 लोग स्पेन में संक्रमित हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन चौथा ऐसा देश है जहाँ कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर इटली में देखने को मिल रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इटली में 760 लोगों की मौत हुई। यहां अब तक कुल 1,15,242 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 13,915 तक पहुंच गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 29,874 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 2,44,678 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना जांच रिपोर्ट दूसरी बार नेगेटिव आई है। दुनिया भर के देश में मौत का आंकड़ा अगर देखा जाए तो इटली में 13,915 लोग, स्पेन में 10,348 लोग, अमेरिका में 6,129, फ्रांस में 5,387, चीन में 3,316, ईरान में 3,160, यूके में 2,921, नीदरलैंड में 1,339, जर्मनी में 1,107, बेल्जियम में 1,011, स्विट्जरलैंड में 536, तुर्की में 356, ब्राज़ील में 324, स्वीडन में 308, पुर्तगाल में 209, साउथ कोरिया में 169, इंडोनेशिया में 170 और ऑस्ट्रिया में 158 लोगों की मौत हो चुकी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.